बात शेयर बाजार की करेंगे। मार्केट में डाउ रूट ऑनर्स रेट में काफी तेजी आई है। आपको बता दें कि अमेरिका में लेबर मार्केट डेटा का इम्प्रूवमेंट उम्मीद से बेहतर रहा है। जापानी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लुढ़का है। आरबीआई की पॉलिसी में भारत में ब्याज दर स्थिर रही। आरबीआई ने 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया। इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल ने कल हमारे चैनल पर इसी शो में प्रिडिक्शन की थी कि आरबीआई पॉलिसी में ब्याज दर स्थिर रहेगी और वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। देखिए कल हमारे शो में आकाश जिंदल की तरफ से ये प्रिडिक्शन दी गई थी और ये प्रिडिक्शन उनकी बिल्कुल सही साबित हुई है। इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। कल ही आपने इसी समय हमारे चैनल में जो प्रिडिक्शन दी थी आरबीआई पॉलिसी को लेकर, ब्याज दर को लेकर, वो बिल्कुल सही साबित हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी, ये प्रिडिक्शन कल मेरी ही थी भारत 24 पे इसी समय कि आरबीआई पॉलिसी के अनाउंसमेंट के अंदर रेपो रेट या ब्याज दर स्थिर रहेगी और वो प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in की, मेरी आकाश जिंदल की बिल्कुल सही साबित हुई है। आपका धन्यवाद। बहुत से दर्शकों ने मुझे मेल पे, इंस्टा पे मुबारकबाद भेजी है। सबको मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाया, सबको चैनल के जरिए धन्यवाद दे रहा हूँ जो जिसने मुबारकबाद भेजी है। देखिए आरबीआई पॉलिसी में बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि ब्याज दर को स्थिर रखा जाए। कारण क्या है कि हमारे लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा फूड इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में ज्यादा है और ग्रोथ एनीवे बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि आरबीआई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरबीआई बहुत अच्छा बैलेंस बना चल रहे हैं कि ग्रोथ भी अच्छी हो और इन्फ्लेशन भी ना बढ़े। तो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई की तरफ से लोग होते हैं, साथ ही साथ सरकार के भी लोग होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में। तो ये फैसला एक बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही बढ़िया फैसला है क्योंकि ग्रोथ हमारी वैसे भी अच्छी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने 2023-24 में दर्शकों 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दिखाई है और अब जो 7.2% की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, रादर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in का मानना है 7.4% हम जीडीपी ग्रोथ इस साल में दिखाने वाले हैं। और इस साल भी हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी साहब की अध्यक्षता में उनकी टैलेंटेड लीडरशिप के अंदर हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाले हैं। लास्ट ईयर भी ये हुआ और वो भी उस माहौल में जब यूएस जैसी इकोनॉमी में तकलीफ चल रही है। यूएस जैसी इकोनॉमी आज तक फैसला नहीं कर पा रही है कि ब्याज दर कम करेंगे कि नहीं। उसके अलावा देखें फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, सब जगह दिक्कतें चल रही हैं। यूएस 2022 में दो क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई, जर्मनी 2023 में एक क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई, जबकि हिंदुस्तान लगातार तरक्की करता जा रहा है, लगातार तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर भी उसी तरीके से अब हिंदुस्तान को पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। चाइना जो है कभी हमारा कॉम्पिटिटर हुआ करता था उसको हमने पछाड़ दिया है, वो 5% की जीडीपी ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहा है जबकि हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन की बात भी करें दर्शकों तो अप्रैल 2024 की बात करें 2,10,000 करोड़ का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हमारी कंट्री ने एग्जीबिट किया। तो कहीं ना कहीं दुनिया आज देख रही है कि हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है, लगातार हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। ना सिर्फ मैं बड़ी, अभी तो मैंने बड़ी इकोनॉमी की बात की है, अमेरिका की, चाइना की, जर्मनी, जापान की, ये चारों इकोनॉमी हिंदुस्तान से बड़ी है। अब छोटी इकोनॉमी या वो इकोनॉमी की बात करें जो हमारे पड़ोसी मिलते हैं, श्रीलंका में 2 साल पहले क्या हुआ था लोगों ने देखा, पाकिस्तान में 1-1 किलो आटे के लिए खूनी चंगोरी और बांग्लादेश में अब जो कुछ हुआ है वो इकोनॉमी को काफी नेगेटिवली वहां इंपैक्ट करेगा जबकि हिंदुस्तान लगातार स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ग्रोथ, हिंदुस्तान की जीत दुनिया देख रही है, दुनिया से सैल्यूट कर रही है। बिल्कुल आकाश जी आपने बिल्कुल सही कहा और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस हिंदुस्तान की अगर बोली जाए वो शानदार लगातार रह रही है, वो भी तब जब हम पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो कैसे हालात नजर आ रहे हैं। अगर जापानी येन की बात करें आकाश जी तो ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लुढ़का है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले डाउन गया है, इसको मैं इस एंगल से देखूंगा कि जापान की इकोनॉमी पिछले कई सालों से उस तरीके से नहीं चल रही। जापान की इकोनॉमी कब फ्लरिश की थी, 70s और 80s में, 80s में 86-87 में जब जापान को अपने येन को ऑप्टिमली वैल्यू करना पड़ा तब से जापान की इकोनॉमी दिक्कतें चल रही हैं। फिर वहां पे जो रियल एस्टेट का बबल आया वो बस्ट हुआ, उसकी वजह से दिक्कतें चल रही हैं। अब भी आप देखें हालांकि जर्मनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन फिर भी जर्मनी जापान को डिस्प्लेस करके कुछ महीने पहले थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई और जापान फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी रह गया।
तो मेरा तो ये मानना है कि जापान की इकोनॉमी में रिवाइवल के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, जो कि वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी उस तेजी से अब ग्रो कर ही नहीं रही है। पहले चाइना ने उसे डिस्प्लेस किया, चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बना। अब जापान की इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ज्यादा लगनी जरूरी है, ताकि वो दोबारा से उस तरक्की कर सके और दोबारा से वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सके, जो जापान कभी था। जी ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए, क्योंकि इंतजार लोग करते हैं कि क्या मार्केट मंत्र आपने देंगे और आसान भाषा में उनको समझाया जाता है कि आखिर क्या चल रहा है पूरे, ना सिर्फ देश में, अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से बात करें, बल्कि पूरे वर्ल्ड में।